Dear students, assalam alaikum As you remember, that for the last couple of lectures, we have been going through different aspects of invoking sale tax within QuickBooks. हमारी कोशिश ये है कि sale tax को हम अच्छी तरह समझें और QuickBooks में apply करें. Reason being कि इतनी सारी जो bookkeeping और information हम record कर रहे हैं अपने QuickBooks में या अकाउंट्स में उसकी सबसे बड़ा पहलू टैक्स है जो हमने गवर्नमेंट की मुख्तलिफ़ एजेंसीज को अदा करना है ये सेल टैक्स के नाम से भी हो सकता है जनरल सेल टैक्स के नाम से भी हो सकता है वैट भी हो सकता है इनकम टैक्स भी हो सकता है एक्साइज ड्यूटी भी हो सकती है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो हम किसी और गवर्नमेंट एजेंसी के बिहाफ पे अपने क्लाइंट या कस्टमर की सेल्स में से डिडक्ट करते हैं अपने पास रखते हैं और रिमिट कर देते हैं और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन सेल टैक्स आइटम कैन बी एप्लीकेबल बिल्कुल मुमकिन है कि आपके चंद आइटम्स पे एक खास नोयत के टैक्स लगे दूसरे टाइप ऑफ आइटम्स पे एक डिफरेंट परसेंटेज का टैक्स लगे आइटम टू आइटम भी डिफ़र हो सकता है सर्विस टू सर्विस भी डिफर हो सकता है प्रोविंस टू प्रोविंस भी डिफर हो सकता है और सिटी टू सिटी भी डिफर हो सकता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या किया है जितने टाइप ऑफ सेल टैक्स हैं और उनके रेट्स हैं वो हमने सारे के सारे अपने पास रजिस्टर कर लिए उसके साथ साथ अब हमें पता है कि ये सेल जहां हो रही है हम अपना सिस्टम उन लोगों के लिए उन यूज़र्स के लिए सेट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपके इलाके में जहाँ भी आप इस वक्त तैनात हैं किस टाइप के कौन कौन से सेल टैक्स जो हैं वो लागू हैं अगर आप किसी दूसरे प्रोविंस में हैं तो उस दूसरे प्रोविंस का प्रोवेंशल टैक्स फेडरल टैक्स और अगर सिटी गवर्नमेंट का कोई टैक्स है तो वो टैक्स तो एक वक्त में एक से ज़्यादा टैक्स एप्लीकेबल हो सकते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास एक कॉमन या डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स होता है जो कि हमारी तमाम टैक्सेबल चीज़ों पे एक बार लग जाता है और ये एट द बॉटम ऑफ योर इनवॉइस नज़र आता है एक लाइन आइटम के तौर पे, और वो कैलकुलेट करके वहाँ रख देता है ऊपर दिए हुए जो टैक्सेस हैं इसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो हमने इन के अंदर कहीं ना कहीं शो करने और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान चीज़ जिसमें आप अपना सेट या ग्रुप कर सकें उन आइटम्स को या सर्विसेज को जिनके ऊपर एक टाइप ऑफ टैक्स लागू है वो है सब टोटल और उस सब टोटल के ऊपर अगर आप टैक्स लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुत आसानी से बजाय इसकी कि हर आइटम पे एक टैक्स लगाते हम एक सब टोटल पे एक ही टैक्स लगा के उन तमाम चीज़ों का अहाता कर सकते हैं मुमकिन है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास उन तमाम आइटम्स पे एक से ज़्यादा टाइप के सेल टैक्स लागू हो जाए इन दैट केस हम उसको कैसे हैंडल करेंगे ये हमें क्विक बुक्स तो हमें फैसिलिटी फ्राहम करता ही है लेकिन हमें लॉजिकली सोचना भी चाहिए कि हमारे पास जितने टाइप ऑफ आइटम्स हैं उनको हम किस तरह बेस्ट यूटिलाइज़ करें जिससे हम ये तमाम फीचर्स जो इसमें क्योंकि में मौजूद हैं उनको हम जो हम सीख चुके हैं अब तक उसको हम किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करें कि हम मल्टीपल सेल टैक्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक इन के अंदर इन्वोक कर सकें टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट यूजिंग मल्टीपल सेल टैक्स ऑन डिफरेंट ऑफ आइटम्स और डिफरेंट आइटम और सर्विस आज की हमारी कोशिश ये होगी कि हम डिफाइन करें के एक सेट ग्रुप या सिंगल आइटम के ऊपर हम सेल टैक्स एक से ज़्यादा चार्ज करें पिछले लेक्चर्स में आपने एक सेट ऑफ आइटम्स के ऊपर दो टाइप के टैक्सेस आपने देखा था किस तरह से लग सकते हैं एक आइटम के ऊपर हमारा एक लोकल टैक्स लग जाए और जो मेन हमारा टैक्स है सेल टैक्स वो तमाम आइटम्स के ऊपर इन्वोक हो जाए लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर इससे भी ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जस्ट फॉर यूर कन्वीनियंस आई हैव एडेड सिटी गवर्नमेंट सेल टैक्स इन आर आइटम लिस्ट हमारे पास प्रोविंशियल टैक्स के अलावा अब कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एक सेल टैक्स भी मौजूद है और इसकी परसेंटेज वो बहुत कम है लेकिन ये भी हमारा सेल टैक्स उस वक्त इन्वोक होगा जब सिंध प्रोविंस में और कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कोई सेल रिकॉर्ड होगी आइए हम देखते हैं अब कि हम इस सेल टैक्स को किस तरीके से ज़रूरी नहीं कि सेल टैक्स हो कोई भी टैक्स जो आप सेल के वक्त काटते हैं वो टैक्स हमने रिकॉर्ड करना है हमारे पास क्विक बुक्स में सिर्फ एक ही टाइप है जो हर टाइप ऑफ टैक्स को अपने पास रखती है और वो है टाइप सेल टैक्स इसलिए जब भी मैं सेल टैक्स कहूँ तो समझ जाइए कि कोई भी टैक्स हो सकता है जो भी टैक्स हमने अपने कस्टमर के पास काटना है और जमा करवाना है ट्रेजरी में दैट एज फार एज क्विक बुक्स इज कंसर्न इज गोइंग टू बी अ सेल टैक्स टाइप आइटम आइए एक हम क्रिएट करते हैं इन्वाइस और इस इन्वायस में हम एक से ज़्यादा आइटम डालते हैं और उन आइटम्स के ऊपर हम टैक्स भी एक से ज़्यादा टाइप के इन्वोक करवाते हैं इस केस में हम डोर हैंडल की एग्जांपल लेते हैं अगर सिर्फ़ डोर हैंडल है और इसके ऊपर हमने टैक्स इन्वोक करवाना है और वो टैक्स है सेल टैक्स फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध तो हमारे पास ये टैक्स आ गया और आप देख रहे हैं कि उसकी एक परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट भी आ गई और इसी तरह से फेडरल सेल टैक्स भी आ गया और इन दोनों की अमाउंटें मिल के हमारा टोटल जो है प्रोडक्ट अमाउंट प्लस प्रोविंशल सेल टैक्स अमाउंट प्लस फेडरल सेल टैक्स अमाउंट ये टोटल हमारे पास नज़र आ रहा है फेडरल सेल टैक्स की वैल्यू यहाँ नज़र आएगी और प्रोविंशियल टैक्स की वैल्यू उस लाइन आइटम के सामने ही आपको नज़र आएगी चले अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम है जिनके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं

तमाम अमाउंट कैलकुलेट कर ली है फेडरल टैक्स कैलकुलेट कर लिया है और अब हम इन क्लोज कर सकते हैं लेकिन हमें प्रोविंशियल टैक्स चाहिए ओवर दिस होल अमाउंट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट वी हैव चूजन इन दिस इनवॉइस। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में भी बताया है टू डू दैट वॉट वी नीड इज़ अ सब टोटल टाइप आइटम इस केस में हमने सब टोटल लिया और जैसे ही हमने सब टोटल लिया उसने ऊपर दिए गए तमाम आइटम्स का टोटल हमें दिखा दिया इसके ऊपर एक प्रोविंशियल टैक्स लागू है जो हम यहाँ इनवोक करते हैं उसकी परसेंटेज भी पहले से ही डिफाइंड है सिंस दिस ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द सिंध प्रोविंस इसके ऊपर जो टैक्स लागू है वो सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स है जैसे ही हमने सिंध प्रोवेंशियल सेल टैक्स किया जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन किया हुआ है कि हमेशा सेल टैक्स अपने से ऊपर दिए गए आइटम पे लगेगा सो इन दिस केस वो सब टोटल के ऊपर लागू हो गया है इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा टैक्सेस और उनकी परसेंटेज भी आ रही है और ये दोनों हमारे टोटल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यानी कि फेडरल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव परसेंट and the provincial सेल tax at the rate of 4.5 पॉइंट अब आपने देखा कि हमारे पास सब टोटल के ऊपर टैक्स आ गया है फेडरल टैक्स भी आ गया है अब हमारी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हम इससे ज़्यादा टैक्सेस भी इसके ऊपर लगाएं सब टोटल का मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम सब टोटल करेंगे तो अपने ऊपर जितने भी आइटम्स आएंगे तमाम का टोटल करके आपको दिखा देगा और सेल टैक्स आइटम हमेशा अपने से एक ऊपर वाला कैलकुलेट करेगा अगर हमें इससे ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं तो हमें कुछ और करना पड़ेगा हम एक वक्त पे मल्टीपल टैक्सेस लगा सकते हैं लेकिन इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव सीन इज दैट वी हैव इन्वोवड मोर देन वन टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन अ गिवन सेट ऑफ आइटम्स उनके ऊपर हमने एक से ज़्यादा टैक्स लगा दिए कैसे सब टोटल का इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोशिश भी करें मज़ीद टैक्स लगाने की तो वो कामयाब नहीं होगी और अगर हो भी गई तो वो आपको पता है कि किस आइटम पे लगाएगा वो लगाएगा अपने से एक ऊपर वाले आइटम पे इस केस में वो ऊपर वाला आइटम ये वैल्यू थी और उसका पॉइंट थ्री परसेंट बहुत कम फिगर बन रही है इसलिए यह नज़र नहीं आ रही लेकिन हमें ये काम नहीं करना हमने इसको बेहतर बनाना है कैसे बेहतर बनाना है आप अपने जहन में सोचें कि हम इसे कैसे हल करेंगे क्योंकि इसका हल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से भी ज़्यादा टैक्सेस अगर आ जाए और बल्कि मल्टीपल बहुत सारे टैक्सेस आ जाए तो हम किस तरीके से उन्हें इन्वोक करेंगे और आप हमारे पिछले लेक्चर से पढ़ें जब एक से ज़्यादा टाइप की हमारी चीज़ें हो जाती हैं और उनको हम आइटम्स को एक साथ मिलकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है इस सवाल में ही आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा लेकिन फॉर दैट वी आर गोइंग टू गो टू आर नेक्स्ट लेक्चर फॉर दिस लेक्चर द पार्ट इज दैट वी आर यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ टैक्सेस इन अ सिंगल इन एंड फॉर दैट वी आर इन वोकिंग द फंक्शन और द आइटम ऑफ सब टोटल याद रहे सब टोटल वो आइटम है जो अकाउंट्स में जिसका कोई असर नहीं होता बाकी तमाम आइटम टाइप का अकाउंट्स पे असर होता है हो सकता है इन्वेंट्री घटे सेल्स बढ़े और आपका किसी ना किसी किस्म का एक्सपेंस आउट हो लेकिन ये तमाम चीजें सब टोटल पे लागू नहीं है सब टोटल इज बेसिकली अ फंक्शन ऑल दो इन क्विक बुक्स दिस इज टेक एज अ लाइन आइटम ये एक आइटम टाइप डिफाइन की जाती है लेकिन अकाउंट्स में इसका डायरेक्ट असर नहीं होगा ये सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रही है एक वक्त में एक से ज़्यादा टैक्स आइटम कैसे डाले दा, जाएंगे वील सी इन आर नेक्स्ट लेक्चर